प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की, और क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की तो इतना सब अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। अब शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मांग भरना, और आदमियों का तो काम ही औरत की हर मांग भरना। अब नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब, ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी इंस्टेंट वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बल्कि अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़की ना अपने माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले शादी कर ले। वो अपने माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ देते। और साला ब्रेकअप भी करती है तो ये नहीं कि बस लाइफ से चली जाए, साला 10 दिन तक ये डिसीजन करेगी कि क्यों कर रही है। फिर उसको अचानक से इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अब जब इतनी कंसर्न हो तो ब्रेकअप क्यों कर रही हो। उसके बाद ये बेसिकली वो चाहती है कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, और फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये जो ब्रेकअप उनके चूतियापे की वजह से हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी अभी तो टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना लकड़ी में एक आदमी के फिट होने की जगह थी, तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चल ठीक है, उसने तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो चढ़ के, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी। और मस्त में नींद पूरी करके उठी, अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है, तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व्स चेक करी, नहीं बेहोश भी तो सकता था, नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, इसका मतलब मर गया है, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। अबे रात को सोने से पहले आदमी चैन से 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या, और क्या ये टॉक मी टू स्लीप, और चलो इन्हें सुलाने को मैं वो भी करने को तैयार हो जाऊं। लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठते के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया अभी तक। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को उठाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट हैं कि साला तैयार उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चूतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद ही बात करनी है। अबे पागल हो क्या, सेक्स इसलिए सेक्स है क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। अबे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या, यू नो कभी कभी तो मुझे लगता है कि दे वॉन्ट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेजम। अबे लड़कियों की ना सिर्फ 2 नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। अगर आई लव यू बोलोगे तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। अब इन्हें हर 2 हफ्ते महीने बाद इन्हें ये जानना होता है कि व्हाई डू यू लव मी। अब या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजन व्हाई यू लव मी। अबे तुमने सुना नहीं क्या प्यारे का एहसास है। और उससे भी बड़ा चूतियापा है ये सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है। अब सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद तो असल मामला शुरू होता है। अरे तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला। अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में तो सॉरी बोलूंगा ना। अबे कोई बात तुम इन्हें समझाओ, मजाल है जो समझ में आ जाए, और वही बात इनका बेस्ट फ्रेंड समझा दे 1 मिनट में समझ में आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा, ये सूरज बढ़ जाता है जिन्हें शुरू किया दोस्त फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की नाम की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर जी दोस्ती में तो प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जाके चाहे जितना भी दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदले वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। उसके बाद इनके कपड़े के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। अबे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना, अचानक से इक्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है बे। और साला भैंस की आंख, सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का फोन, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है, एक स्टेज आती है जब आपको पता होता है कि इस कन्वर्जेशन में इस पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो फोन कट कर सकती है क्योंकि ये उसका हक है या उसे मास्टर साहब देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन ही नहीं टीवी पे भी आपके मारने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई हैं कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है।
पहले सर्विस प्रोवाइडर हमारी मार रहे थे कॉल रेट कम करके, वो मार के उठे तो साले स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बताए ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की कि जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले, सिगरेट लेने के लिए रस्ते में रुक क्या गया तुरंत फोन आ जाएगा। बीपी और फाइन नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते हो कि इतनी बार फोन करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा ना, और ये सारा आदमी मर भी रहा हूं ना तब भी इन्हें शायद ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, यमराज जी लेने आगे ठीक है, तब भी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगे कहाँ कैसे, अच्छा आज तुम्हारा मरने का प्लान था तुमने मुझे बताया भी नहीं, अरे अच्छा कौन कौन तुम्हारे साथ मर रहा है, अरे तुम उसके साथ मरने भी लग गए, सती जी ऐसे थोड़ी छीन लाई थी अपने पति का उन्होंने ले नहीं कर दी होगी, कहाँ कैसे क्यों कब, यमराज लोग सॉरी बहन जी गलती होगी वापस ले जाओ। एक तो हर लड़की का स्यापा है कि आई लव सरप्राइजेस, लेकिन असल बात तो ये है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू, और उनकी असली खुशी इस बात में छुपी है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। एक है ना लड़कियों के हर सवाल में एक सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं, तुम्हें लग रहा होगा वो पूछ रही होगी छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, अगर तुमने उस छोलों में एक भी गलती निकाल दी तो वो छोले की रेसिपी दी होगी उसकी माँ ने, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले पसंद नहीं इसका मतलब तुम उसकी फैमिली से हेट करते हो। अभी लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, हम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हैं, और हाँ वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, तुमने उनके माँ बाप के बारे में एक लाइन भी बोल दी तो साला थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वार दोनों एक साथ हो जाए। हाँ तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टची क्या बोल दिया साला इतना टच हो जाती है, अबे बाय गॉड हफ्तों तक टच करने को ना मिले, और इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि साली रिश्वत देती है वो, ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, और इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं, इससे तो अच्छा अपने हाथ से शादी